सरसों का तेल जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए बताते चले, इसकी एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है जो कुछ लोगों को नागवार गुजरती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है। उसका तरीका सिंपल ये है कि आप सरसों का तेल डालें, जब भी कुकिंग करें इसकी पैन में डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें, इसका धुआं निकलने दें। इसके धुआं जब निकलेगा इसका जो थोड़ा सा हल्का कड़वा टेस्ट भी होता है और ज़रा थोड़ा स्ट्रांग सरसों का जो फ्लेवर होता है वो इसमें से निकल जाएगा। अगर आपको उससे कोई इशू नहीं है फिर आप डायरेक्ट इसमें कुकिंग करें, और अगर उस स्मेल या उस टेस्ट मखसूस टेस्ट की कुछ ज़्यादा आपको इशू है फिर इसका बेस्ट हल ये है कि आपने चूल्हे पैन में ऑयल रखा एक कप और अब इसको हम गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म करेंगे थोड़ी देर बाद इसके धुआं उठना शुरू हो जाएगा। जैसे ही धुआं उठेगा तो इससे इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है और स्ट्रॉन्ग जायका है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन जायका फिर भी इसका रहेगा। सरसों के तेल का बहुत मज़े का जायका है। जिन इलाकों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ पे और कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं होता सिवाय सरसों के। ये इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका में दो किस्म के तेलों का इस्तेमाल है, सरसों का तेल या ये कोकोनट ऑयल।